अभी साथियों ने बताया कि हम 94-95 से हैं और आप इस घुटन के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं, तो आपने इतने लंबे समय के अंदर क्या आपने इस तरीके की कोई योजना और रखी है? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार, ऐसा हम नहीं कह सकते कि सरकार ने हमारी बात सुनी नहीं। समय समय पर सरकार ने हमारी बात सुनी भी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक दायरा है, एक समय सुनिश्चित है, 60 साल के बाद हमें सेवा से निवृत्त होना है, इसलिए अब हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमारा पेंशन का प्रकरण था, हमारी भर्ती 1998 में शासन ने कर दी, और जो ये पेंशन का प्रकरण हुआ कि 2005 के बाद पेंशन कर्मचारियों की बंद की गई, हमारा निवेदन ये था कि 1998 से 2011 तक हमारा पैसा कहाँ गया? हमको ना तो PPF हमारा काटा गया और ना ही हमारा अंशदान काटा गया, इसलिए हम चिंतित हो रहे हैं। बाकी शिक्षा विभाग में जब हम एक स्कूल में दो तरह के कार्य करने वाले लोग हैं, एक उसका नाम सहायक शिक्षक MP में दे रखा है, उच्च श्रेणी शिक्षक दे रखा है, लेक्चरर दे रखा है, वही काम हम करते हैं, लेकिन हमारा नाम दिया अध्यापक, अध्यापक संवर्ग में पहले, इसके पहले शिक्षाकर्मी, संविदा, गुरुजी, जाने कितने नाम दे दिए सिर्फ पैसा बचाने के लिए। मेरा निवेदन ये था, अगर किसी देश को आबाद करना है, किसी देश को आगे बढ़ाना है, तो उस देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने के साथ साथ अमेरिका जैसी स्थिति निर्मित होना चाहिए। अगर हमारा गुरु का सम्मान आप नहीं कर रहे हो, ये समाज नहीं कर रहा है, हमें आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, तो निश्चित रूप से ये जो आगे आने वाली, आप देखते हो अभी मेट्रो में मैं जा रहा था, मैं पाश्चात्य शिक्षा के दर्शन करने पर आमदा था, आज ये स्थिति गाँवों में नहीं है, क्योंकि गाँव में आज भी जो गुरुकुल की परंपरा है वो छोटे से छोटे 200 आबादी वाले, 150 आबादी वाले, जहाँ लाइट नहीं है, प्रधानमंत्री जी यहाँ जो शाइनिंग इंडिया की बात दिल्ली में आके हम देख रहे हैं, यहाँ मेट्रो की जो बात कर रहे हैं, वहाँ तो सर बस भी नहीं है, पैदल आदमी 3-3, 4-4, 10-10 किलोमीटर की यात्रा कर रहा, उनके बच्चों का शिक्षण हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर उनकी सहभागिता यहाँ सुनिश्चित नहीं होती है, तो आज भी मुझे ये कहना होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी ये जो शाइनिंग इंडिया है सिर्फ दिल्ली में दिखाई दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी आवाज़ सुने, और उस प्रतिनिधि, उस समाज का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जहाँ आज भी लाइट नहीं है, जहाँ आज भी शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, उस छोटे से गाँव में रहकर उन ग्रामीण बालकों के बीच में हम माननीय प्रधानमंत्री जी के अपने देश की परिकल्पना साकार कर रहे हैं, इसलिए हमारे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हम ये गुहार लगाने यहाँ आए हैं। हम नहीं चाहते यहाँ ज़्यादा रहें, हम कहते हैं कोई भी भारत सरकार का मंत्री हो या कोई जवाबदेह व्यक्ति आ जाके अभी कह दे कि आपकी बात ट्रेवल टॉक पर मध्य प्रदेश में हम कराएंगे, हम अभी अपना पूरा ये सामान समेट करके अपने स्कूल में 10 घंटे के अंदर उपस्थित हो जाएंगे, ये हम वादा करते हैं, लेकिन ये लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं। लेकिन हम भी अध्यापक हैं, हमने भी पढ़ा है, हमने भी शिक्षण किया है, और हमारे साथ ये नेता तो नहीं हो सकते, लेकिन आज भी उस गाँव के जहाँ हम पढ़ा रहे हैं 400 लोग 500 लोग जो वहाँ के वोटर हैं, वो आज भी हमें सुनते हैं, और अब हमारी पीड़ा पर इस चुनाव में वो हमारे साथ खड़े दिखाई देंगे, आप भी देखेंगे, ये समाज भी देखेगा। जो 2018 का चुनाव है, हम ये चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, आपकी 17 की जो संख्या है, वो जितने भी प्रदेश हैं, 29 राज्य हैं, हम चाहते हैं आप 29 पर कामयाब हो, लेकिन अगर ये मुख्यमंत्री इस तरह से दिग्भ्रमित करके अपनी बात, हमारे गरीब छोटे से गांव की बात यहां नहीं लाएंगे, तो निश्चित रूप से ये उल्टी गिनती शुरू होना भी सशंकित करता है। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं, सब करते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन समाज में परिवर्तन लाना लाजमी है, और वो परिवर्तन इसलिए आएगा कि जब एक मेरी पत्नी कल के दिन अगर यहाँ मैं मृत होता हूँ तो वो सड़क पर भीख मांगेगी, तो समाज शायद ये स्वीकार नहीं करेगा कि इस प्रकार से जो शिक्षक हैं, जो अध्यापक हैं, उनकी बात का लिए लोग उल्लंघन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।